हाय एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू पासवर्ड को रिसेट करना चाहते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, आपको इंसर्ट कर लेना है, आपको अपना लैपटॉप में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इनकम टैक्स का पोर्टल में चले जाना है। जैसे आप इनकम टैक्स का पोर्टल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आता है, ये जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब थोड़ा देर वेट करना है। अब इसमें आपको अपना पैन नंबर डालना है, आप जैसे ही पैन नंबर डाल करके कंटिन्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का एक पेज ओपन हो गया है और उसी के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन निकल करके आ रहा है। तो अपने को अब करना क्या है कि फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर वापस से डालना है। यहाँ पे डालने के बाद क्या करना है, पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन निकल करके आता है, जिसमें से आपको डिजिटल सिग्नेचर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली क्लिक कंटिन्यू करना है। अब उसके बाद, चूँकि ये मेरा फर्स्ट टाइम डिजिटल सिग्नेचर को इनकम टैक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो न्यू DSC करके यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो एक और पेज आपको ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच DSC फॉर पैन, मतलब उसके बगल में पैन नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक उस केस में नहीं करना होगा जिस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लिक टू डाउनलोड EM साइनर यूटिलिटी, चूँकि हमारे पास EM साइनर यूटिलिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए हमको वापस से इंस्टॉल नहीं करना है और सिंपली टिक करके कंटिन्यू करते हैं। टिक करके कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा साइन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें प्रोवाइडर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डिजिटल सिग्नेचर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि प्रोवाइड पासवर्ड, यानी कि आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना है जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर टोकन का पासवर्ड है। हमने यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल दिया है, अब सिंपली साइन करते हैं। साइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, तो आप देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब अपने पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप नया पासवर्ड अपने हिसाब से यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। आपको यहाँ न्यू पासवर्ड को एक बार डालना और नीचे सेम पासवर्ड को कंफर्म करके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड ऑल सेट हो चुका है, यानी कि जो नया पासवर्ड है वो रिसेट हो चुका है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ठीक है। तो आप अपने जा करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू लॉगिन, अब अपना पैन नंबर डाल करके और जो भी पासवर्ड है वो डालिए, अपना लॉगिन हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।